नमस्कार आदाब, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के उलीडी थाना अंतर्गत शंकोशाही रामनगर रोड नंबर 1 के रहने वाले दो पड़ोसियों के बीच पुराने विवाद को लेकर आपसी मारपीट के बाद चली गोली, जिसमें मनीष यादव नामक युवक को लगी 3 गोलियां, जिसके बाद आनंद फानन में लोगों ने घायल को MGM अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने किया TMH रेफर। वहीं घटना के बाद आक्रोशित बस्ती वासियों ने गोली चलाने वाले दो युवक विक्रांत सिंह और विपुल कुमार के घर के बाहर खड़ी दो कार को आग के हवाले कर दिया। सूचना पाकर उलीडी थाना प्रभारी सोनू कुमार घटनास्थल पर पहुंचे व सभी बिंदुओं की जांच की। कुछ आरोपियों का धर पकड़ कर पूछताछ की और आश्वासन दिया कि इस कड़ी में उचित कार्रवाई की जाएगी। इस घटना की जानकारी मनीष यादव की माँ व विक्रांत सिंह की मामी ने दी। क्या नाम है आपका? हमारा तो नाम है देवांती दे। कौन था आपका? हमको बड़का लड़का है भैया, वो है कमाता था। क्या नाम है उसका? मनीष नाम है भैया। क्या काम धंधा करता है कोई? ना बोलते हैं कि खटाल के काम है, घर ही कुट्टी पानी कराते हैं। कौन मारा गोली? गोली मारा है विक्रांत, और बिल्कुल जो कहता है सो नहीं मारा, वह भाई बतीन को मार दिया ना गोलियाँ, और अकेले था और मारा पारा देखो पारा मारा है यहाँ से घीच को घुमा ले चल गया, 4-5 गो था जब पकड़ाए ना सभी था। कितना गोली लगा उसको? 3 गोली। कहाँ मारा है? सीना ने मारा। पहले से कुछ विवाद चल रहा? पहले तो वही बोले 3-4 महीना पहले हुआ था विवाद। अच्छा। तो गोली से लगा लगा सोनारी के लड़कन के लेके आता था, दारू के कलाली है इसको। अच्छा। 4-5 गो लेबर खटाता है। हाँ। और 2 गो कार तार 4-5 बजे रात के लाके अपन घर में सबके सुताता है, रात भर आकर फिर सबके लेके सोते जाता है, अकेले नहीं चलता है, चलता है तो 4-5 बजे चलता है। और वो अकेले देख लिया, वो अभी खा के ओखनी जा रहा था अपन ड्यूटी जाता, और वो अकेले जाए वो आदमी बस्ती नहीं मर गया तो बोला कि मम्मी गए दोस्त के मम्मी मर गया है तो जा रहा है सत्य कर बस एतिए तो दरवाजा पर एतिए से गप सुन घींचा और अति ले चल गया मर रहा है ईंटे पकड़ तो हम तो कुटी काट रहे थे दौड़ लाए तल को तो गोली लग गया हमारा बच्चा भी हो हम जाके दौड़ में मर गया थकना कर दो तल लोग था साथ में ओकर लड़का ने बिल्कुल है फिर उसको 2 गो भाई है हम लाइम नहीं जानते उसको भाई के और विक्रांत मारा है और मुकुल है सब गोली नहीं मारा वो लेकर आया 15 ने खोस लिया जब गिर गया ना तब कुछ होश नहीं होना तो दौड़ा दोनों गाड़ी किसका है? ओके है मुकुल के वही लोग का चलाता है वो है विक्रांत और एगो चलाता है बड़का बेटा वही लोग का हाँ वही लोग का खानिया दोनों गाड़ी चलाता है। आपका? मेरा निभा देवी नाम है। हा? मेरा गाड़ी मेरा निभा देवी नाम है। निभा देवी? हाँ। कौन सा एरिया है ये? रामनगर। रामनगर है। अच्छा, ये किसकी कार है? दोनों विक्रांत सिंह का है और विपुल कुमार का है। विक्रांत? विक्रांत सिंह और विपुल कुमार। कौन है आपका? ये लोग मेरा भगना है। अच्छा, गाड़ी यहीं थी? हाँ, यहीं पर गाड़ी थी। कब आई गाड़ी यहाँ? गाड़ी तो सुबह ही से गाड़ी यहीं पर लगा रहती है। और भगना लोग कहाँ था? भगना तो घर दोनों ड्यूटी करने गए हैं। क्या हुआ? गोली का मामला हुआ, किसी को गोली लगा है तो हम जहाँ हमको भी नहीं मालूम है। इधर बंदा को लड़का आया और देखिए कि सब आग लगा के सब चल गया है, घर में कोई जेंट्स नहीं है। गाड़ी में आग लगा दी? गाड़ी में आग लगा दी है, घर में कोई जेंट्स भी नहीं है। कौन लोग है जानते हैं? नहीं जानते हैं, इधर से लड़का लोग आया था नहीं जानते हैं। कितने की संख्या में था? 10 लोग संख्या में था। अच्छा, लोग क्या बोला आपको? कुछ बोला? नहीं, हमको तो कुछ नहीं बोला है, इसको जो भी मालूम होगा सबको मालूम होगा। वो कौन है? इन्हीं का घर का परिवार है। आपको भगना है? मेरा भगना है। देखो हम तो गाड़ी में आग लगा तब हम आए घर से। कैमरा है आपके पास? कैमरा में लगा हुआ है। आज मुझे दूरभाष के माध्यम से सूचना मिली थी कि रामनगर में दोनों पड़ोस के ही रहने वाले आपस में लड़ाई करके एक मनीष यादव नाम के व्यक्ति को गोली मार दी है, जिसे तुरंत अस्पताल भेजा गया है, वहां से रेफर करके अभी TMH भेजा गया है। कारण क्या है विवाद का? इसमें पूर्व में से ही लड़ाई चल रहा था, ये अभी बात इसमें जाँच में स्पष्ट आई है। बाकी जो भी है पीड़ित के परिवार लोग आवेदन देंगे, उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मारने वाला कौन कौन है? अभी तो पीड़ित के परिवार लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, कुछ लोगों को थाना में ले जाकर पूछताछ की जा रही है। बाकी पीड़ित पर जो भी लोग सामने आएंगे, इसे मेन रूप से विपुल और विक्रांत का नाम आ रहा, बाकी पीड़ित के परिवार तथा जो जख्मी है उनके बयान पर कांड अंकित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों का नाम और उनकी गिरफ्तारी हो गई है अभी पूछताछ के लिए? पूछताछ के लिए थाना लाया गया। अभी गाड़ियों को आग लगाया गया, तोड़फोड़ किया गया बता रहे हैं उसके परिवार। जांच चल रही है, इसकी अभी जांच चल रही है, जांच के बाद जो भी होगा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।